जय हिंद दोस्तों आज हम कोफोर्जी के बारे में बात करेंगे कोफोरजी के ऑफर लेटर को समझेंगे कोफोरजी का सिटीज स्ट्रक्चर एंड कोफोजी की ब्रांचेस इंडिया में किस किस प्लेसेस में हैं और यदि आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट होता है तो जो प्रोजेक्ट होगा आपकी किस टेक्नोलॉजी में होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोफोजी आपकी किस किस एरिया में डील करती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डिजिटल इंटीग्रेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ए आई डेटा इनसाइट पर वर्क करती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करती है साइबर सिक्योरिटी एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन ये सारी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड करती है कोफोजी अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस किस सेक्टर में डील करती है डेट इज बैंकिंग ट्रेवल इंडस्ट्री हेल्थ केयर हाईटेक इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर रिटेल सेक्टर इन सब सारे सेक्टर्स में कोफोजी आपकी डील करती है तो बाकी आपको जो भी जानना होगा आप यहां से देख सकते हैं कोफोर्जी के बारे में कोफोजी का को जो क्वार्टर है वो नोएडा में है और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफोजी के ऑफर लेटर के बारे में जब आप कोफोजी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी डेस्टिनेशन होगा जो आपकी प्रोफाइल होगी वो होगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और जो आपका लोकेशन है ज्वाइनिंग लोकेशन वो ग्रेटर नोएडा स्ट्रक्चर होगा आपका थ्री लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज अब कोफोजी का आई थिंक सी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया है जो कि 4.5 पॉइंट फाइव देखिए कोफोजी का जो बॉन्ड पीरियड है वो टू इयर्स का ये इंपॉर्टेंट है आ, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती इवन ये बहुत जगह मेंशन भी नहीं है कोफोजी फोर जी की सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोफाइल तो जो बेसिक पे होगा आपका एलेवन थाउजेंड होगा एच होगा फाइव थाउजेंड सिक्स एलटीए होगा आपका सिक्स थाउजेंड फ्लेक्सी बास्केट 2,493 रुपीस तो जो ग्रॉस मंथली सैलरी होगी आपकी होगी 26,237 पीएफ आपका जो डिडक्ट होगा वो होगा 21,600 रुपीस का मेडी क्लेम विदाउट पेड़ ये आपका एनुअल है जो पीएफ है आप ठीक है क्लेम भी एनुअल डिडक्ट होता है जो 6,262 का होगा लाइफ इंश्योरेंस का जो आपका प्रीमियम है वो भी एनुअली है 4046 का तो टोटल हम बात करते हैं जो एनुअल डिडक्शन है आपकी सैलरी से वो होगा थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड जीरो एट तो इट मीनस जो आपकी सैल और प्लस आपका जो टोटल सी टी सी स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू रुपीज इसमें आपका एक कॉम्पोनेट होता है वेरिएबल पे वेरिएबल पे आपका एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज होगा यदि आपकी परफॉर्मेंस चारों क्वार्टर में अच्छी होती है क्यू वन क्यू टू क्यू ट्रू फोर तो आपको एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज हंड्रेड परसेंट वेरियबल पे दिया जाएगा अदरवाइज वेरिएबल पे से आपका डिडक्शन हो सकता है अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कपोर्जी के कुछ अलग ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जैसे स्पेशल डेटिंग हॉलीडे इनके आपके बर्थडे में वन डे की पेड लीव मिलती है आपको बर्थडे के दिन आपको फ्री में सैलरी मिलेगी आई थिंक या डेटिंग अलाउंस जो होगा आपको थ्री थाउजेंड रुपीज पर ईयर पर मिलेगा फ्री में लीव ट्रेवल अलाउंस बात करते हैं वन मंथ की आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग मिल सकता है जो आपको टैक्स डिडक्शन में हेल्प करेगा इंश्योरेंस आपका होगा जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज का होता है इनके साथ आपका कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिक्लेम स्कीम में इसमें मेडिक्लेम एज अ टॉप अप बेसिस में होता है इट मींस आपका जो इनिशियल मेडिक्लेम होगा वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का होगा जिसको कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके थर्टी लाख रुपीज तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं आई कैन इंक्रीज या हेल्थ चेकअप आपका थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का एनुअल होगा अब आप नेक्स्ट चीज आते हैं जिम अलाउंस की बात करते हैं तो फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ जिम अलाउंस हाँ थोड़ा कम है वह चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी और भी इसके बेनिफिट्स हैं सपोज आप जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाएंगे टेबल चेयर ये सब चीजें बेनिफिट में इंक्लूड है नेक्स्ट चीजें बात करते हैं हम लोग कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा तो इसमें आपका जो होगा आपको एक कॉपी चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर की फाइव फोटोग्राफ्स चाहिए जो टू स्टैम्प साइज फोटोग्राफ विथ प्लान बैकग्राउंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यू नो सब में आपको टेंथ ट्वेल्थ और इंजीनियरिंग में एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और इन केस यदि आप किसी पुराने कंपनी में जॉब कर रहे थे तो आपका रिलीविंग लेटर होना चाहिए रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रीवियस एम्प्लॉय से नेम ऑफ द एफ ट्रस्ट एंड यू नंबर और थर्ड होना चाहिए आपका फैमिली पेंशन फंड और पी नंबर या सिक्स पॉइंट की बात करें तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए सेवेंथ आपका पैन कार्ड एट आधार कार्ड नाइन्थ की बात करें डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका नॉमिनेट आपको किसी को करना पड़ेगा उसके लिए आपकी मत आप अपने मदर या किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं आपको इसमें सी टी सी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो हम ट्राई करेंगे उसकी हेल्प करने के लिए और यदि आपको कोफोजी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मेल आई डी है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफोर्जी फ्रेशर्स के लिए अच्छी कंपनी एक नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू टी सी एस विप्रो और अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग कोफोज़ी एक अच्छी कंपनी है फ्रेशर के लिए बिकॉज कोफोज़ी में आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिलने वाली है ज्वाइनिंग से पहले और बाकी सारी कंपनीज हैं एम कंपनीज में वेदर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इन्फोसिस विप्रो टी सी एस उसमें आपको ज्वाइनिंग के बाद रैंडमली अलोकेट किया जाता है बट कोफोर्जी में आपको पहले ही बता दिया जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग आप कोफोर्जी में जा सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू हैव ए गुड डे बाय बाय